झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक। बिग ब्लेस, बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, स्वागत आप सभी का बाजारों की चाल में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाटी और बाजारों की चाल में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं यहां पर कृषि फसल बाजार का अपडेट लेकर। जानेंगे कि शाम के कारोबारी सत्र में कृषि फसलों का वायदा बाजार NCDX कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है और उस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय रहेगी। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम यहाँ पे कृषि फसलों में कैसे सीड से। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि आज कैसे सीड का फरवरी वायदा 6492 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, 6518 का ही लगा चुका है, 1.25% की तेजी है। आज हमने कैसे सीड को 6500 के ऊपर जाते हुए एक बार फिर से देख लिया है, जो कैसे सीड 2021 में अगस्त सितंबर में जाकर 6500-6600 पर ट्रेड करता नजर आया था, अब वही वाले लेवल्स कैस्टर में एक बार फिर से देखने को आज मिल चुके हैं। हालांकि इस वक्त 6492 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, लेकिन आज 6518 का भी हाई लगा चुका है। हमारे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने आपको जो कैसे सीड का टारगेट दिया था 6500 का, आज वो अचीव होता नजर आ चुका है। इसी के साथ बात करें यहाँ से अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल का फरवरी वायदा देख रहे हैं 3252 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। बिनौला खल ने आज शाम के कारोबारी सत्र में 3303 तक का ही लगा दिया है, हल्की सी करेक्शन है। देख रहे हैं कि कॉटन सीड ऑयल के यानी जो बिनौला खल है, बिनौला खल का वायदा बाजार अभी एक सीमित दायरे में ही है, उठापटक बिनौला खल में अभी ये जारी है। तो आज शाम के कारोबारी सत्र में किस कृषि फसल के अंदर क्या करके चलना सही रहेगा और आने वाले समय में किस कृषि फसल में तेजी देखने को मिल सकती है, जान लेते हैं अपने एक्सपर्ट से। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया जी। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट एमसीवी पर। गुड इवनिंग अखिल जी। गुड इवनिंग अजय जी। अजय जी, सबसे पहले आपसे कैसे सीड के ऊपर चर्चा करना चाहूंगा। कैसर पे आपने जो टारगेट दिया था 6500-6600 का, उसमें देख रहे हैं कि आज 6518 का हाई लग चुका है, 6500 का टारगेट तो अचीव हो चुका है। अब आपको यहाँ से क्या लगता है, क्या यहाँ से कैसे में एक मुनाफा वसूली बनेगी या फिर यहाँ से जो तेजी है वो कंटिन्यू रहेगी? देखिए, कैसर के फंडामेंटल्स देखिए तो हम जानते हैं क्रॉप साइज काफी कम है, डिमांड एज ऑफ नाउ पिकअप नहीं कर रही थी, अराइवल सामने था, जिसके चलते हमने एक बार प्राइजेस को 6000 के नीचे भी जाते हुए देखा या ऑलमोस्ट टच करते हुए देखा, बट कहीं ना कहीं डैमेजेस रिपोर्ट हो रही है। धीरे धीरे इस बार हमने देखा ओमिक्रॉन का जो कंसर्न था उसके बावजूद कहीं पे भी कोई ऐसा मेजर लॉकडाउन जैसी सिचुएशन नहीं बनी है, तो होपिंग फॉर अ गुड थिंग के धीरे धीरे डिमांड इंप्रूव होगी। चाइना एक मेजर इंपोर्टर रहा है कैस्टर ऑयल का, तो आई थिंक चाइना से जैसे जैसे इंप्रूव हो गया न्यू ईयर हॉलीडे के बाद वापस, तो कैस्टर को सपोर्ट ही मिलेगा। हाँ, थोड़ा कंसर्न है कि नया अराइवल्स है तो प्राइस में थोड़ा दबाव मिल जाए, बट आई थिंक 6200 का भी लेवल मिले तो री एंट्री के लिए काफी अच्छा रहेगा। ओवरऑल हमें लगता है कि 6650 से लेकर 6800 का जो रेंज है वो अगले 15-20 दिन महीने भर में हम कैस्टर में देख पाएंगे। खाली जो थ्रेड दिखाई देता है वो है अराइवल का एक सेंटिमेंटल फैक्टर पड़ेगा, बट ओवरऑल क्रॉप साइज काफी कम है, डिमांड में इंप्रूवमेंट है जो कैस्टर को सपोर्ट करती हुई रहेगी। हो सकता है कि एक बार अराइवल का जो दबाव निकल जाए तो अगले 2-3 महीने के लिए कैस्टर सबसे अट्रैक्टिव कमोडिटी बन जाएगी, जो ऊपर में 7200-7500 के लिए भी तैयारी कर ले, बट एज ऑफ नाउ मुझे लगता है 6800 से लेकर 6000 का जो दायरा है इसी दायरे में कैस्टर ट्रेड करता है। जी, तो यानी कि कैसा सीड अभी हाल फिलहाल में तेजी की ओर तो रहेगी और ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले समय में कैसा सीड में काफी अट्रैक्टिव कीमतें और भी देखने को मिले, जो कैसा सीड और तेजी की ओर जाते हुए नजर आए। ये सर जी, बात करें अगर बिनौला खल की, तो कॉटन सीड ऑयल केक में आपने पहले ही बता दिया था कि बिनौला खल साल 2022 में काफी शानदार मुनाफा दे सकता है, 4000 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। वहीं से हम देख रहे हैं कि जैसा आपने कहा था कि बिनौला खल में अभी थोड़े समय के लिए हो सकता है मुनाफा वसूली बनती नजर आए, एक छोटे सीमित दायरे में कारोबार करते नजर आए, ठीक वैसा ही हम होते हुए अब देख रहे हैं। अब यहां से आपको क्या लगता है, क्या अभी यहां से जो बिनौला खल है कुछ दिनों के लिए और सीमित दायरे में ऐसे ही कारोबार करता रहेगा? देखिए, बिनौला खल में मैंने आपके चैनल पर 4000 का टारगेट बताया था, बट वो बताया था मार्च का जी। जनवरी में हमारी उम्मीद थी कि 3150-3180 का लेवल दिखाएगा, बट इसके विपरीत हमने देखा 3 जनवरी को ही 3200 का लेवल तोड़ के हमने 3400 का हाई लगते हुए देखा, क्योंकि फंडामेंटल है या फिर हम मौसम की जो खराबी थी इसके चलते भी प्राइस को सपोर्ट मिला है। टाइमिंग मैं अभी भी मेरा व्यू 4000 पे ही रखता हूँ कि कॉटन सीड ऑयल केक आपको 4000 का लेवल जरूर दिखा देगा, लेकिन फरवरी में ना मुझे लगता है 12 फरवरी काफी इंपॉर्टेंट डे है।
जब तक 12 फरवरी तक नहीं आता मुझे लगता है मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में रहेगा, जो मे भी 3000 नीचे में और 3400-3420 ऊपर में ये दायरे में ही रहेगा। बट फंडामेंटल इतने मजबूत दिखाई दे रहे क्योंकि सीएआई ने भी जो क्रॉप साइज बताई है वो 348 बताई है, जबकि अभी भी हाजिर मार्केट में बताया जा रहा है कि 300-320 भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल और डे बाय डे मजबूत होते जा रहे हैं, तो मेरा सलाह रहेगी मार्केट अब रेंज बाउंड में है, दिस इज अ गुड टाइम, तो यहाँ पे हम धीरे धीरे चीजों को ऐड करें। लेकिन 3420 का लेवल तोड़ने के बाद ही हम एक अच्छी तेजी देख पाएंगे जो 3650 से 3700 तक का भी लेवल दिखा सकता है फरवरी तक। बट जो 4000 का लेवल है वो आपको मार्च में ही देखने मिलेगा। वही डेयरी इंडस्ट्री के अंदर भी हमने अच्छी खासी डिमांड मार्केट में बनते हुए देखी और ओवरऑल हमें लगता है कि मार्केट स्लो एंड स्टेडली जाएगा, क्योंकि जो स्टॉक की पोजीशन की बात करें तो खल का स्टॉक कम है, बिनोला का खल बढ़ रहा है, क्योंकि जो भी इंडस्ट्री है उनको तेल वालों को भी बिनोला यूज हो जाता है, लेकिन खल में होता क्या है कि आपके पास एक ही एंड यूजर हो जाता है। तो आई थिंक ये सारे फैक्टर्स को देखते हुए मेरा सलाह यही है कि 3000 से लेकर 3400 के बीच में ही मार्केट मूव करेगा। 12 फरवरी या 3400 ये लेवल तोड़ने पे ही हम नई तेजी देख पाएंगे जो ओवरऑल 4000 का लेवल मार्च में दिखा देगा। जी, इसी के साथ अजय जी बात करें यहाँ से अगर मसाला कॉम्प्लेक्स की, तो मसाला में आपने जीरे में काफी अच्छी तेजी बताई थी कि जीरे में जो तेजी है लगातार जीरे में आने वाले समय में तेजी पकड़ता हुआ हम देखेंगे। आपने जनवरी फरवरी बता दिया था कि जीरे के लिए काफी शानदार रहेंगे। हम यहाँ से देख रहे हैं कि जीरा लगातार 16,000 के बाद अब देख रहे हैं आज 19,000 के भी ऊपर है और 20,000 के बेहद करीब है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या फरवरी एंड होते होते जीरा 20,000 के भी पार चला जाएगा? देखिए अखिलेश जी, मुझे लगता है जीरा अगर हम मार्च वायदा देखेंगे तो आज का हाई है 950 का, 50 रुपया मार्च तक मुझे लगता है कि अगले 2-3 दिन में ही तोड़ देगा ये। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 12 तारीख से 12-13 जनवरी से लेकर 20 फरवरी के बीच में जबरदस्त तेजी मसालों में बनेगी, और ऐसा ही कुछ हाल हम देख रहे हैं कि पिछले 12-15 दिनों में हमने जबरदस्त तेजी देखी है। बट ये अभी भी जो रैली है ये 50% ही हुई है। आप ये देखिए इस बार स्विंग कमजोर है हमारी, मौसम की वजह से इस बार इल्ड में भी ड्रॉप आने की उम्मीद है, पाइपलाइन पूरी खाली पड़ी है, एक्सपोर्ट की डिमांड अब धीरे धीरे इंक्वायरी आने लग गई है, लोगों को अब फील होने लग गया है कि ये रैली में हम छूट चुके हैं, जो हम मंदी मंदी सोच रहे थे इनकी बाइंग वापस आना चालू हो चुकी है। तो सारे ही फैक्टर की अगर हम बात करें तो जीरे और धनिए के लिए जबरदस्त तेजी का माहौल बनाया हुआ है। लेकिन अगर हम लेवल्स की बात करें तो पहले हमने कहा भी था कि हमारे जो नए पुराने रिवाइज टारगेट थे वो 21,500 से 22,000 का लेवल हम जीरे में देख रहे थे, बट अब हमें लगता है इसको रिवाइज करने की जरूरत है, क्योंकि जो लेवल्स और जो पोजिशनिंग है वो और ज्यादा वर्स होते जा रही है। जो हमें लगता है जीरे में मार्च में नया माल आने के बाद प्राइजेस के अंदर थोड़ा पुल बैक मिल सकता है, बट उसके बाद जो मार्केट में तेजी आएगी वो 25,000 तक का भी लेवल जीरा दिखा देगा। वहीं धनिए में भी हम ऐसा ही सीनरी देखेंगे, बट पहले हम जीरे की जब बात करते हैं तो एक्सपोर्ट डिमांड और कुछ हमने देखा सीरिया तुर्की की भी बातें हो रही है, बट वहां का जो प्रोडक्शन साइज है वो मार्केट की डिमांड को पूरा मैच नहीं कर पाएगा। तो ओवरऑल डोमेस्टिक मार्केट में जीरा बहुत तेज है, इनिशियल टारगेट मार्च तक का 21,500 से 22,000 है, उसके बाद नए अराइवल्स की वजह से हो सकता है प्राइसेस में एक प्रेशर क्रिएट हो जाए, लेकिन उस प्रेशर में एक वापस बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है जो जुलाई अगस्त तक आपको 25,000 का लेवल क्रॉस करता हुआ दिखेगा। जी, यानी कि जीरे में कमाने की काफी सारी अपॉर्चुनिटीज निवेशकों को अभी भी पहले भी मिल चुकी है और आगे भी मिलती रहेंगी। जुलाई अगस्त तक जीरा काफी अट्रैक्टिव प्राइसेस दिलाता रहेगा, काफी अच्छा रिटर्न देता रहेगा। 25,000 तक के टारगेट्स जीरे में देखने को मिल सकते हैं। ये से जी बात करें अगर हल्दी की, तो हल्दी में हमने पहले देखा था कि किसी को उम्मीद नहीं लग रही थी कि हल्दी काफी शानदार तेजी दिखा देगी, क्योंकि जो क्रॉप थी ठीक ठाक थी और जो अवेलेबिलिटी थी वो भी ठीक ठाक ही देखने को मिली थी और एक्सपोर्ट डिमांड भी ऐसा कुछ थी नहीं जैसे कि पहले आपने बताया था। लेकिन उसके बाद हमने आपसे ही जाना कि जो हल्दी के जो क्रॉप हैं वो बारिश की वजह से डैमेज भी हुई और जिसकी वजह से अब हल्दी में तेजी आती हुई नजर आ रही है। अब आपको क्या लगता है, हल्दी ने जो ये जो यूटर्न लिया है तो क्या ये यहाँ से हल्दी भी और अच्छा रिटर्न देती नजर आएगी साल 2022 में? देखिए पूरे मसाले में मैं काफी जबरदस्त तेजी की बात कर रहा था और डेफिनेटली जीरा धनिया में तो मैं काफी टाइम से बुलिश था, बट कैरी ओवर स्टॉक को देखते हुए हल्दी में ऐसी तेजी नहीं समझ में आ रही थी। हाँ ये जरूर था कि इस बार डैमेजेस हुई है वो प्राइजेस को सपोर्ट करेगी,
बट इस हद तक कर सकती है ये हमारे भी मतलब प्रीव्यू में नहीं था। हमारी उम्मीद ये थी कि अगर जो डैमेजेस भी हुए हैं इसके साथ हम उम्मीद कर रहे थे कि 10.5 का भाव, 10 का भी भाव आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। बट जिस वॉल्यूम से मार्केट ने पिकअप किया है, क्योंकि देखिए कोई भी क्रॉप अगर सामने दिखती है तो उसका आकलन अच्छे से किया जा सकता है, बट हल्दी जमीन के बाहर जब निकलेगी तभी हमें एक्चुअलिटी पता चलेगी। तो टाइमिंग डेफिनेटली लेवल्स जो हम टेक्निकली देखते हैं वो ब्रीच हुए हैं, जिसको देखते हुए 12.5-12.400 के लेवल दिखते हैं। बट फ्रेंकली जो फंडामेंटल साइड है वो क्रॉप का पूरा आने के बाद ही समझ में आएगा कि मार्केट में क्या बैलेंस शीट और क्या स्टॉक टू यूज रेशियो है। क्योंकि हम अभी 3-4 सालों से देख रहे थे कि कैरी ओवर स्टॉक काफी ज्यादा था, प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, और डिमांड में जो हमने 2020 के अंदर तेजी देखी थी वैसी डिमांड 2021 में ज्यादा दिखाई नहीं थी। नो डाउट अब फिर से हमने देखा है कि कोविड को चलते हमने एज ए एंटीबायोटिक सभी जगह पे डिमांड बढ़ते हुए दिखी है। बट फ्रेंकली जितना तेज मैं जीरा और धनिया में समझता हूँ उतना हल्दी में रैली मिस आउट हुई है जरूर, बट मुझे लगता है कि 12.500-12.400 वर्स्ट टू वर्स्ट ये अगर हम जून तक देख पाए तो देख पाए, बट जीरे में हल्दी में मुझे ज्यादा करंट लेवल से फ्रूटफुलनेस नहीं लग रहा जितना मैं धनिया और जीरे में तेजी रख रहा हूँ। तो हल्दी में थोड़ा वेट एंड वॉच रखना चाहिए। टेक्निकल ठीक है, लेवल्स है कि जब तक 10.500-10.600 के ऊपर मेंटेन है 11.500-12 ये लेवल दिख जाए, बट फंडामेंटल साइड जब तक क्लैरिटी नहीं है बैलेंस शीट की मैं बेटर वेट करना पसंद करूंगा। जी ये सर जी बात करने पर धनिया की, तो धनिया में भी आप पहले से ही काफ़ी बुलिश भी रहे हैं, जैसे कि आपने अभी भी बताया कि धनिया और जीरे में आप हमेशा से पहले से बुलिश रहे हैं, तो क्या धनिया के भी लेवल्स कुछ रिवाइज किए जा चुके हैं या फिर धनिया में पहले वाले लेवल्स अभी देखने को मिलेंगे? पिछले साल मार्च में मैं कुछ सेमिनार में गया था कुछ एसोसिएशन के, तब धनिया के भाव 5600-5800 के चल रहे थे। तब हमारी टीम ने ART के मेथड से, जो अल्टरनेट रिसर्च टेक्निक्स है, जिसके मेथड से हमने निकाला था टारगेट, जब हमने रखा था कि धनिया 12.5 हजार तक का लेवल दिखा सकता है, तो ऑलमोस्ट हम देख रहे हैं कि 10 हजार के ऊपर अच्छे से मार्केट ट्रेड कर रहा है, और यही उम्मीद है कि फरवरी एंड तक या मार्च के फर्स्ट वीक तक हम 12-12.5 पहुंच जाएंगे। लेकिन अब जैसे आप भी बोल रहे हो कि रिवाइज करना है, तो डेफिनेटली जिस ढंग से फंडामेंटल्स में जो चेंजेस आए हैं हमें लगता है यहाँ पे रिवाइज करना बहुत जरूरी है काउंटर पे। तो एज ऑफ नाउ हमें लगता है कि हमारे जो टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों को अगर मर्ज करके हम देखते हैं तो 18.5 हजार तक का भी लेवल हम धनिया में देख पाएंगे। देखिए रोमानिया बल्गेरिया का अब तक मार्केट में माल चल रहा था, बट अभी भी अगर हम देखें तो जो क्वांटिटी है वो पूरे विश्व के लिए पर्याप्त नहीं रहेगी। सेकेंडली अगर हम धनिया की बात करें तो धीरे धीरे अब डोमेस्टिक पाइपलाइन भी जो खाली है वहां पे रिफिलिंग होना चालू हो चुका है, एक्सपोर्ट में भी डिमांड धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है, बट अभी भी ऑर्निकॉन का जो कंसर्न है या शिपमेंट्स की बात करें तो मैंने कुछ मिडिल ईस्ट के ट्रेडर से बात की थी, वो बता रहे थे कि $900 का जो कॉस्ट लगता था वो अब बढ़कर $3200 का लग रहा है। तो जब तक यहाँ पे सप्लाई साइड सिचुएशन नहीं होती है तब तक डिमांड थोड़ा सा स्लगिशनेस है, बट हाँ जो डोमेस्टिक में बैलेंस शीट टाइट दिखा रहे हैं तो मैं 12.5 हजार अभी भी मार्च फर्स्ट वीक तक का टारगेट लेके चलता हूँ। इसके बाद जैसे जैसे अराइवल आएगा मार्केट में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी बढ़ेगी, बट हाँ अगर मैं जून जुलाई तक की अगर बात कर रहा हूँ तो रिविजन होता है टारगेट में, जो 18 से 18.5 हजार का लेवल हम धनिया में देख पाएंगे। जी तो यानी कि ओवरऑल रुझान तीनों ही मसाले में, चाहे धनिया हो, जीरा हो, चाहे हल्दी हो, तीनों में ही तेजी वाला ही रहेगा। यही से जी बात करें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो ग्वार पर जब मेरी आपसे आखिरी बार बात हुई थी तो आपने यही बताया था कि ग्वार गम को तब सपोर्ट मिलता है जब अमेरिका में कच्चे तेल के उत्पादन में बढ़ोतरी देखने को मिलती है, ना कि जब UAE और मिडिल ईस्ट में कच्चे तेल के उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। वहीं से आपने ये भी बताया था कि आपका जो व्यू था ग्वार को लेकर वो साइडवेज नेगेटिव ही था। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ग्वार गम और ग्वार सीड में अगर एक्चुअली फंडामेंटली देखा जाए तो कीमतें एक्चुअल में क्या रहनी चाहिए थी कि ग्वार गम और ग्वार सीड में सेफली निवेश किया जा सके? अगले जी पिछले साल तक मैं जबरदस्त तेजी में था, मैंने डेट के साथ भी बताया था कि 15 मार्च 2021 के बाद जबरदस्त तेजी आएगी, और हमने देखा कि 3800 से भाव चला और चल के ऊपर में हमने 6000 के ऊपर भी भाव को सितंबर में ही आते हुए देखा था। बट अगर मैं सितंबर की तेजी के बाद अब तक बात करूं, अक्टूबर में मैंने कुछ सेमिनार्स में कहा भी था कि अब गवार में इन्वेस्टमेंट करके
पैसा नहीं कमाया जा सकता। और आप चेक कर लीजिए कि अगर हम 2-3 अक्टूबर के भाव की बात करें, वो टाइम पे 6100 के करीब ही भाव था। आज अगर अपन अक्टूबर के बाद जनवरी एंड में पहुंच चुके हैं, अगर आप पिछले 4 से 5 महीने में देखेंगे तो मार्केट बार बार में 6400-6500 तक ऊपर जाता जरूर है बट सस्टेन नहीं कर पाता है, नीचे में भी जाता है ये 5600-5700 बट सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो अभी भी मेरा व्यू यही है कि न्यूट्रल रहिए गवार में। गवार में तेजी खोजने के चलते आप दूसरी अपॉर्चुनिटी मिस कर दोगे, जबकि गवार के जो फंडामेंटल्स की बात करें तो मैं अभी भी उसी चीज पे कायम हूँ। लोगों का कहना है कि क्रूड $90 टच हो गया, क्रूड की तेजी की वजह से गवार को सपोर्ट मिलना चाहिए। आप उठा के देखिए, आज मॉर्निंग की ही न्यूज है, मैंने फ्लैश भी की है कि लॉस एंजलिस के यूएस के कुछ स्टेट्स के अंदर, नाम मेरे ध्यान में नहीं अभी, कुछ स्टेट्स के अंदर जो भी रिन्यूअल ये रिक्स है उसको बंद करने की बातें हो रही है कि अब यहाँ पे एनवायरमेंटल कंसर्न है जिसकी वजह से उसको बंद करना चाहिए। दूसरा, आप एक चीज सिंपल समझिए कि यूएस जितनी भी ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री है, यहाँ पे कैश बहुत रिक्वायर्ड होता है, तब जाके इंडस्ट्री चलती है, पनपती है। यूएस गवर्नमेंट डोनाल्ड ट्रम्प के रिजिम में इस चीज को सपोर्ट कर रही थी, बट अब हम जब से डोनाल्ड ट्रम्प के रिजिम के बाद अगर हम जो भी दिन गवर्नमेंट की पॉलिसी की बात करें तो ऑयल एंड गैस ये इंपोर्ट करना पसंद कर रही है। तो हमने देखा यूएस का पिछले 1.5 साल के अंदर कोई भी बड़ा मेजर प्रोडक्शन बढ़ा नहीं है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में नो डाउट पिछले साल डिमांड थी जिसकी वजह से गवार सीड गवार गम को सपोर्ट भी मिला। फूड इंडस्ट्री में यूरोप से भी डिमांड थी, बट जिस ढंग से पिछले 2-3 महीनों में ऑर्निकॉन की कंसर्न की वजह से मिडिल यूरोपियन नेशन से भी डिमांड इतनी पिकअप नहीं कर पा रही है। डोमेस्टिक मार्केट में जो इंडस्ट्री के लिए जैसे 200-300 रुपए की तेजी आती है, तुरंत ही उनका डिमांड कम हो जाता है। तो मुझे लगता है मार्केट को एक माहौल बनाया जा रहा है कि मार्केट में जबरदस्त तेजी है, लेकिन आप देखिए जो भी इंडस्ट्री में यूज भी हो रहा है, 6000 की चीज 12000 हो जाए, यहाँ पे अल्टरनेट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। कुछ लोगों का कहना है कि सर आप तो खुद बोलते हो कि खल के अंदर अल्टरनेट नहीं, तो खल में अल्टरनेट नहीं दिखता है बट गवार कम में केमिकल्स है। अगर आप ऑयल इंडस्ट्री की बात करें तो वहां पे FR जो केमिकल है वो यूज होता है। यहाँ पे भी हम देखते हैं, जैसे एक एग्जांपल है मेंथा ऑयल का, 800 रुपए से 2500 रुपए का भाव हमने मेंथा में टेस्ट होते हुए देखा, बट जैसे ही केमिकल प्रोपोर्शन मार्केट में सिंथेटिक मेंथा आना चालू हुआ, इमीडिएटली प्राइस में क्रैश कर दिया, जो आज भी 1000-1100 के बीच में ट्रेड कर रहा है। तो मेरा सलाह है, मे बी मैं कुछ रॉन्ग हो सकता हूँ, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गवार गम और गवार सीड अपने हायर लेवल्स पे ही है, यहाँ से बाइंग अवॉइड करनी चाहिए। हाँ, ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव से दिन में आपको तेजी मंदी मिलती रहेगी, बट ये लेवल्स पे लॉन्ग टर्म व्यू नहीं बनाना चाहिए। वेट एंड वॉच रखिए या ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप कर लीजिए, कोई तकलीफ नहीं है। लंबा व्यू मुझे नहीं लगता गवार सीड गवार गम में बना के चलना चाहिए करंट लेवल से। जी, ये से जी बात करें अगर कॉटन की, तो M6 कॉटन देख रहे हैं 36,830 पर ट्रेड करती नजर आ रही है। 37,000 के भी पार हमने कीमतें कॉटन की जाते हुए देखी, अब फिर से देख रहे हैं कि वही 37,000 की ओर जाती हुई नजर आ रही हैं कीमतें। आपको यहाँ से क्या लगता है, क्या यहाँ से कॉटन 37,000 के भी पार जाती नजर आ सकती है अभी हाल फिलहाल के अंदर? देखिए, कॉटन में हमने CI के फिगर्स का एक थोड़ा कंसर्न बना था कि क्या फिगर्स आएंगे, हमने देख लिया 348 के फिगर्स आए हैं, जबकि फिजिकल मार्केट प्लेयर्स की बात करें तो 320 के ऊपर कोई बता ही नहीं रहा है। तो एक चीज तो क्लियर है, इस बार प्रोडक्शन साइज हमारी काफी कम है। सेकंड, अगर हमने कहीं ना कहीं अगर डिमांड की बात करें तो Q3, Q4 में अपैरल डिमांड काफी सीवियरली हाई रही है। तो आई थिंक एक तरफ डिमांड इंप्रूव हो रही है, ग्लोबल बैलेंस शीट डोमेस्टिक बैलेंस शीट भी टाइट है, खाली ये कंसर्न है कुछ एसोसिएशन ने मांग की थी कि फ्यूचर्स को बैन कर देना चाहिए या इंपोर्ट ड्यूटी में रिलीफ की बातें हो रही है, तो ये जो फैक्टर है ये मार्केट को थोड़ा सा हाई लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग के लिए कंपेल कर रहा है। बट आप देखिए इंटरनेशनल में आइस कॉटन 120 के ऊपर निकल चुका है, टेक्निकली हमें लगता है कि ये 138-140 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। डोमेस्टिक मार्केट पे ऑलरेडी हमने ये रैली बन चुके हैं, तो आई थिंक एक कंसोलिडेशन का फेज कॉटन के लिए स्टार्ट हो चुका है। बजट में उम्मीद जताई जा रही है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को रिलीफ देने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी में कुछ चेंजेस किया जा सकता है, तो मुझे लगता है मार्केट अब थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा। बट हाँ, अभी भी मार्केट जब तक 32,000 के ऊपर मेंटेन है टेक्निकली काफी साउंड है। जो ऊपर में 42,000 से 44,000 के बीच में कॉटन का भाव,
जबकि कपास में भी हमें लगता है कि 22.5 से 23 हजार का लेवल एज ऑफ नो दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि कॉटन में अभी भी बने रहना चाहिए। हाँ, थोड़ा कंसोलिडेशन रहेगा बजट को लेकर भी, या फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में ये रेंज बाउंड रहेगा, बट कभी भी ये बड़ा उछाल ले सकता है। अभी भी मंदी के कोई ऐसा आसार नहीं दिख रहे कि मार्केट के अंदर कुछ बड़ा फॉल आ जाए। जी, तो यानी कि कॉटन में भी जो आगे तेजी का रुझान रहेगा लॉन्ग टर्म में, वो भी तेजी का रहेगा। 40 से 44 हजार तक का टारगेट देखने को मिल सकता है कॉटन के अंदर। अजय जी, बात करें यहाँ से अगर अब सोयाबीन की, तो सोयाबीन में हम देख रहे हैं वायदा में 6 हजार के नीचे नहीं जा रही है और 6400 के ऊपर एक सीमित दायरा देखने को मिल रहा है। फिजिकल मार्केट में भी देख रहे हैं कि लगभग यही प्राइसेस देखने को मिल रहे हैं। फिजिकल में भी ज़्यादा उठापटक नहीं है कीमतों में। अब देख रहे हैं कि कुछ कुछ मंडियों में नई सरसों की जो अराइवल्स हैं वो भी देखने को मिल रही हैं, और साउथ अमेरिका में जो सूखा पड़ता हुआ देखा है वहाँ पे प्रोडक्शन का जो एस्टिमेशन है उसमें भी कटौती की जा चुकी है। तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है, क्या सोयाबीन की कीमतें यहाँ से अभी कुछ उठ पाएंगी या फिर ऐसी सीमित दायरे में रह जाएंगी? देखिए, टाइमिंग तो मुझे लगता है जब तक मस्टर्ड का क्रॉप सामने नहीं आता है, कोई भी ऑयल शेड में कोई बड़ी तेजी नहीं दिखेगी या बड़ी मंदी नहीं दिखेगी। दूसरा कारण है तेल का। आप देखिए, क्रूड $90 टच कर चुका है, इसका कहीं ना कहीं सपोर्ट पाम ऑयल को मिलेगा। पाम ऑयल का सपोर्ट रिफाइन को मिलता है, रिफाइन का सपोर्ट सोयाबीन को मिलता है। तो मुझे लगता है मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में रहेगा, जो 5850 के नीचे नहीं है, ऊपर में 6650 के ऊपर नहीं है। तो टाइमिंग कंसोलिडेशन है, बट ओवरऑल अगर हम मार्च एंड तक की बात करें पोस्ट हार्वेस्टिंग ऑफ मस्टर्ड, तो प्राइजेस बिल्कुल तेजी में ही है, क्योंकि जनरली हम देखते हैं हार्वेस्टिंग के बाद हमेशा प्राइसेस में जबरदस्त गिरावट रहती है, बट इस बार हम देख रहे हैं उसका कोई असर ही नहीं है। मेन सीजन में हमने 5100 का एक बार लो लगते हुए देखा था, बट उसके बाद मार्केट रुकने के लिए तैयार नहीं। इंटरनेशनल मार्केट में भी जो फंडामेंटल्स है वो काफी स्ट्रांग है, जिसके चलते हमने इंटरनेशनल प्राइजेस को भी जबरदस्त तेजी में आते हुए देखा है। तो ओवरऑल मैं कोई मंदी का व्यू लेके नहीं रखा हूँ, क्योंकि पॉलिट्री इंडस्ट्री से भी डिमांड धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है, सप्लाई जो उम्मीद थी उतनी नहीं है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि जब तक तेल के भाव में करेक्शन नहीं आता है, सोयाबीन भी तेज रहेगा, जो एज ऑफ नाउ तो 6650-6800 के बीच में ही है, बट ये जल्द मार्च में जाते जाते 7000 का भी लेवल छू जाएगा। जस्ट खाली क्रॉप साइज जो मस्टर्ड का है ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अब कुछ बरसातें हुई है, उससे फायदा भी हुआ है क्रॉप को और कुछ जगह डैमेजेस भी रिपोर्ट हुई है। बट ओवरऑल मुझे लगता है मस्टर्ड की क्रॉप आने के बाद ही इसके अंदर बूस्ट मिलेगा, तब तक मार्केट एक रेंज में रहेगा। जी, ये से जी बात करें अगर हम मेंथा की, तो मेंथा में आपको क्या लगता है? मेंथा में 2021 में तो देखा था कि जो मार्केट थी वो काफी ज्यादा ड्राई रही थी, कुछ ज्यादा खास कीमतें नहीं रही थी, ना ज्यादा खास ट्रेडिंग देखने को मिली थी, लेकिन 2022 में देख रहे हैं कि मेंथा का बाजार अब धीरे धीरे उठता हुआ नजर जरूर आ रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है मेंथा का बाजार आगे कैसा रह सकता है? देखिए, मेंथा में हमने देखा है कि पिछले कुछ टाइम में इंपोर्ट्स भी थोड़े से बढ़े हैं सिंथेटिक मेंथा का, क्योंकि इंडस्ट्री में होता क्या है, जब भी भाव में कुछ जबरदस्त तेजी आती है तो इंडस्ट्री उसको बैलेंस करने के लिए सिंथेटिक रूप में या केमिकल रूप में उसको यूज करने लगती है। एरिया अंडर कल्टीवेशन में टाइम टू टाइम कंटिन्यू ड्रॉप हो रहा है, जिसके चलते पिछले साल भी हमने देखा 1100 का लेवल क्रॉस कर गया था। दूसरा, मंडी टैक्स को लेकर भी कुछ ट्रेडर्स है जो एक असमंजस वाली माहौल में बने हुए हैं। पेंडेमिक के बाद चीजें इंप्रूव हो रही है, बट जो इंडस्ट्रियल डिमांड है वो इतनी ज्यादा पिकअप नहीं कर पा रही, क्योंकि एक तरफ सिंथेटिक मेंथा और दूसरी तरफ यहाँ पे हमने देखा कॉस्ट भी इम्पोर्टेंट है। तो आई थिंक मार्केट एज ऑफ नाउ एक रेंज में अटक चुका है, जो 940-50 का एक बेस बन जाएगा और हायर साइड में 1100 का टाइमिंग। मार्केट अब फरवरी वायदे की बात करें तो 975-80 के बीच में है। फरवरी मिड तक हमें क्लैरिटी मिलेगी, अगले ये जो करंट कमिंग सीजन है इसमें सोइंग कैसी रहेगी। उम्मीद तो यही है कि भाव में ज्यादा बड़ी तेजी नहीं आने की वजह से इस बार सोइंग में फर्दर ड्रॉप हो सकता है, बट डिमांड निकलना काफी इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक मेंथा में वेट एंड वॉच रहेगा, बट हाँ, 950-960 पे बाइंग की जा सकती है। अपसाइड धीरे धीरे मूव करेगा, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ी तेजी नहीं करेगा। जी अजय जी, आखिरी सवाल रहेगा मेरा आपसे, टॉपिक्स के देना चाहेंगे आप जिनमें अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है? देखिए, टॉपिक में मुझे लगता है कॉटन सीड ऑयल केक पे ध्यान रखिए। 3400 का लेवल तोड़ने पे हमने जो 4000 के लेवल बताया वो वापस दिखेंगे, बट अभी कंसोलिडेशन। बट जीरा और धनिया, ये दो कमोडिटी सबसे हॉट रहेगी 15-20 फरवरी तक, इनमें और अच्छा उछाल आ जाएगा। टेक्निकली आप पकड़ के चलिए 500-600 पॉइंट का कभी भी अगर फॉल आता भी है घबराना नहीं है। प्राइजेस ऊपर में 21,500 का लेवल जीरे में और 12,500 का लेवल धनिये में देखने मिल जाएगा।
बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था एक छोटा सा कृषि फसल बाजार का अपडेट कि आज शाम के कार्रवाई सत्र में किस कृषि फसल में कितनी मंदी तेजी बनती नजर आ रही है, आगे जाके किस कृषि फसल में कितनी मंदी तेजी देखने को मिल सकती है और उस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय थी। फिलहाल बाजारों की चाल में अभी के अवस्था नहीं, लेकिन आपका इंजाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट एमसीबी पर। टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।